ये मेरे भाई के ऊपर जो वार हुआ, जो पहले कहाँ गए मुझको नहीं मालूम था, लेकिन जब फोन मालूम हुआ ये सब वार हुआ बोल के मैं भाग लेते ले गया। लेके आए तक वहाँ पे एक जना चाकू ले लेके आ रहा था, उसमें चार जने हैं, उसमें उनका नाम है फहीम है और सो महबूब, शेख महबूब और शेख अड्डू रहीम है और नमस्ते शेख महबूब है, शेख महमूद है, तीन जने हैं और उसके साथ पाँच छः जने और थे। भाई, आपके भाई का नाम क्या है? मेरा ये मोहम्मद अजहर है मेरे भाई का नाम, हमारा मतलब तो छोटा लीजिए भाई। क्या है? ये जाती दुश्मनी है घर की प्रॉपर्टी के लिए, लोग कर्जा करने के चक्कर में थे पहले से, वो तो बहुत हो गई है मसले। किसकी है प्रॉपर्टी? ये हमारे नाना वगैरह दिए सो है के रूम वगैरह दिए थे हिस्से में, तो उन्होंने हमारे छोटे आंटी का भी रूम अतिया अतिया लिए। कब से चल रहा है झगड़ा? ये कम से कम 3 से 4 साल के ऊपर हो राजभवन गया, राजभवन मख्तम मिश्रा, मख्तम तो का। इनकी कुछ इससे पहले भी लड़ाई हुई थी वो तो क्या? खुद हुए, वो तो खुद हुए, इससे पहले ये अब कंप्लेन हुई थी? कंप्लेन हाँ, नाम ही हुए लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ, पैसे एक्शन नहीं खिसा के हुआ। वगैरह कुछ। कौन से पीएस में करे थे कंप्लेन? पंजाब इससे उठा पहले लास्ट बार कब हुआ था अटैक? इससे पहले कम से कम 10 महीने कुछ हो रहा, आप लोग जब करे थे कंप्लेन कैसा भी मसला दे किसी के भी नाम मेरे, तो मेरे भाई का नाम इन्वॉल्वमेंट करके वो करते थे। क्या इस टीम की 25 क्या काम करते थे ना? सोफा मेकर थे। शादी शुदा थे? हाँ जी, और शादी शुदा 9-8 महीने हो रहा था शादी हो, कितने जने मिल के मारे? 5-6 जने थे सब, पब्लिक ज़्यादा थे लेकिन कम से कम वहाँ पे निकले से 5 जने, जो जिसको मैं देखता हूँ इसे दुश्मनी इन लोगों की है। मैं रोड़ी शेडो से आते भाई, जाओ मेरे पे रोड़ी कौन से शेडा पीएस के? पंजाब उठा जब आपके भाई निकले थे घर से, किसी जाओ। के साथ गए थे या नहीं, अकेले? अकेले गए थे साहब, अभी कारखाने की बात करके आए थे ना, जाने वाले थे, जस्ट अब भी आ रहा हूँ भाई बोल के, बोले फोन आया मैं अभी आता हूँ बोल के, मेरे से मिलने के गए। मिलने के बाद एक 10 से 15 मिनट के बाद ये फ़ोन करे हमारे वालदा, किस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहा, नहीं अभी से देख तो आवाज़ आ रही थी वालदा, बोले देख आवाज़ आ रही कुछ, मैं भाग लेते कहते जना पुट्टा भाग क्या तुम्हारा भाई नीचे गिरवा दे ले ले। क्या टाइम पे भाई ये 11 बजे के टाइम, तकरीबन 11:10 11:15 के टाइम पे। हमला करने वालों की रिश्तेदारी क्या है आप लोगों से? खास हमारे आंटी के बेटे, आंटी खास के आंटी बेटे के, वही रिश्तेदार हैं। प्रॉपर्टी दस के महीने मसले में पहले तो झगड़ा हुआ था, कंप्लेन करे थे आप लोग? जो कमेंट करे थे मेरे क्या हुई भाई, थी कार्रवाई पुलिस की तरफ कुछ से? भी नहीं कैसा बोलता, मतलब राड़ी शटर ये इसका नाम बोल के उठा भी कमेंट इनके नाम पे करे। बीच में हाल में मेरे से उससे बहस हुई थी औरतों के मसले में, जब भी हथियार निकाले थे मेरे ऊपर, इससे पहले मार के दांत तोड़ दिए मेरा। हाँ उसका हुआ था कंप्लेन, कंप्लेंट हुआ लेकिन एक्शन कुछ हुआ था एक्शन कुछ कि भी नहीं हुआ मसला, बस जब भी आप लोग कंप्लेन करें एक्शन नहीं हुआ एक्शन था? नहीं हुआ। आखिरी में फिर जैसे मसला ये हालत पर गई जैसे कि अब जान चली। अभी वहां से पंजाब हर की तरफ से कोई वक्त आए पुलिस वाले, आप अभी तो नहीं मालूम, भाई को उठाया मेरे सीधा उस महीने को भग गया। लोग इन्फॉर्म भी नहीं करे पीएस को? नहीं नहीं करे, पीएस से बात हुई, बात हुई मेरे से, हाँ है ना, पुलिस वाले आए बात थे। हुई। तो ये हमला करने वाले कितने लोग थे बोले? ये 5 जने थे, नाम क्या क्या है फर्स्ट उनके? तो शेख महबूब है और शेख रहीम है और शेख महमूद है, तीन भाई हैं ये और इसके दोस्ताना दोस्ते थे जिसके तीन आपके साथ थे। हाँ रिश्तेदार हैं? ये 3 जने सगे भाई हैं और इनके वालदा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पकड़ के लेके जा रहे चाकू जो मेरे हाथ में, मैं सामने यानी इतनी दूर का फासला है वो देखा हूँ, तो मैंने देखा है कि लाइट लगा होगा, वैसे उठा लेके लेके मैं भाग लेते आ। उनके बहन है, उनके बहना भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि तकरीबन जगह पे यानी कपड़े फाड़ने के वो करना ये करना तकरीबन चीज़ों पे कैसा इन्वॉल्वमेंट करते थे हर तो बार। भाई कुछ गांजा वगैरह पीते थे क्या? नहीं नहीं भाई, शराब की आदत थी मेरे भाई को खाली। तो कैसा है उनके पास? हाँ कैसा है तो प्रॉपर्टी का जो बोल रहे हैं, जैसे कितनी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी छोटी है साहब, वो मेरे नानी वगैरह जैसे उसके अंदर तो इन्हों हर एक चीज़ के वास्ते सरकार होती थी, रास्ते के बारे में तो कुछ डाल देना बच्चों के बीच में, तो हमारे छोटे आंटी का भी रूम उन्होंने कम पैसों में हथिया लिए, तो कहाँ पर है? राजभवन मख्ता, राजभवन जी। फसल की वजह प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी। थैंक यू। तो खुद मालूम है कि औरतों को नहीं मालूम है।